हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं कि BHMS का क्या कट ऑफ होने वाला है। मैं कोई बकवास बातें नहीं करूंगा आपसे, डायरेक्टली आपको कट ऑफ बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ होता है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमको ये बात जानने की ज़रूरत है कि तीन चीज़ें अगर आपकी आपको पता है कि क्या होगी तो आप उसका कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने लोग उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कि उस जो एग्ज़ाम का डेफिनेटली हर साल जो है पेपर्स का लेवल चेंज होता है, क्या उस साल इजी पेपर आया था या फिर डिफ़िकल्ट पेपर आया था वो। और तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है उस एग्ज़ाम का कुछ चेंजेस हो गए उस एग्ज़ाम में, उस तरह की चीज़ें, या फिर जैसे ऑनलाइन से ऑफलाइन हो गई, कुछ इस तरह की कंडीशंस जो कि चेंज हो सकती है, और उससे कट ऑफ पे या फिर जो सिलेक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लोगों के, वो देख लेना, वो भी एक चीज़ होती है। तो BMS के लिए बहुत सारे लोग जो वीडियो बनाते हैं या फिर बहुत सारी आप वेबसाइट्स देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली ये बोला जाता है कि BMS का कट ऑफ तो बहुत कम होता है, BMS में तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाता है, BMS के लिए आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या इसकी सच्चाई क्या है? क्या ऐसा सचमुच है कि आपको इतनी आसानी से BMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है? बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। क्योंकि देखिए, BMS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। अगर आप टॉप 10 कॉलेजेस को देखेंगे इंडिया के, तो उनका कट ऑफ किसी भी तरह से कम नहीं है किसी भी एक मिडिल क्लास MBBS कॉलेज से। तो देखिए, MBBS और BMS के जो कट ऑफ का जो डिस्कशन चलता है लोगों का, ये पूरी तरह से फेक होता है। क्योंकि BMS का कॉलेज किसी भी तरह से MBBS के अच्छे कॉलेज से कम नहीं है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि BMS का जो कट ऑफ है वो कितना होगा जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, दोस्तों आप 450 से 480 के बीच में स्कोर करिए। 450 से 480 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको एक डिसेंट, मैं कह रहा हूँ डिसेंट, आपको एक मतलब कि एक नॉर्मल लेवल का BMS कॉलेज मिल जाएगा जिसमें कि गवर्नमेंट कॉलेज होगा और आपको एक अच्छी खासी डिग्री मिल जाएगी BMS की। पर अगर आपको चाहिए अच्छा कॉलेज, टॉप 10 का कॉलेज चाहिए, तो आप 500 प्लस स्कोर करके चलिए, तब आपको टॉप 10 जो इंडिया के कॉलेजेस है जिसकी मैंने लिस्ट भी बना के रखी अपने चैनल पे, वो आपको मिलेगा। तो जनरल की मैंने बात करी कि 450 प्लस आपको चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद मैं आता हूँ OBC कैटेगरी पे। OBC ऑब्वियसली OBC का थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है, तो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि 350 एट द मिनिमम 350 तो चाहिए एक मतलब नॉर्मल लेवल का कॉलेज लेने के लिए। और अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज चाहिए ना, तो 420 से 430 आपको स्कोर करना होगा, अप्रॉक्सीमेटली इतना तो चाहिए। कई लोग क्या वीडियो में बताते हैं अपने कि आप 180 नंबर ला लीजिए नीट में, 180 नंबर 200 नंबर और आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप काउंसलिंग के जो शीट्स उठा के देख लेंगे, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आजकल कॉम्पिटिशन कितना बढ़ चुका है और हर एक सीट के लिए मारामारी हो रही है। और अगर हम बात करेंगे SC और ST कैटेगरीज के लिए, तो एटलीस्ट आपको जो है 300 अबाउ स्कोर करना ही होगा। 350 400 इतना अगर आपका स्कोर होता है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपके लिए बोलूँगा कि आप 300 तो एटलीस्ट मिनिमम आपको स्कोर करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि SC और ST के भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने लग गए। तो एटलीस्ट आपको 300 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। 320 330 तक भी अगर आपका है तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक सेफ साइड में है। और फिर भी कई सारे लोग फेक वीडियोस बनाते हैं, बोलते हैं कि हम 180 पे आपका सिलेक्शन करा रहे हैं, 200 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल वो सत्य बात नहीं होती है। और अगर आपको इसी तरह का रियल कंटेंट देखना है और रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। BMS, BHMS और BUMS सारी यूनानी जो एग्ज़ाम होती है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वेटनरी, एग्रीकल्चर, सारे कट ऑफ में इस चैनल पे डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और आगे भी मेरे जो वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। मैंने टॉप 10 कॉलेजेस बताए हैं BMS के, वो भी आप देख सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।